तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं गांव का टफेस्ट प्रॉब्लम. इट इज़ बीन सेइंग दैट देयर इज अ फंक्शन एफ इज बीइंग गिवन टू अस विच इज़ 1 / √1 + x + 1 / √1 + a + √8 / a x + a. वेयर इट इज गिवन टू अस दैट ए एंड एक्स कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 to ∞. We need to prove that this function will going to have its value in between 1 and 2. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अब क्योंकि ये असल में एक फंक्शन की तरह नहीं, ऐसे में एक रिलेशन की तरह काम कर रहा है जिसके दो वेरिएबल्स हैं x और a. क्योंकि असल में यहाँ पे a को कांस्टेंट दिखाया जा रहा है, बट असल में यहाँ पे a कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि a भी असल में कोई भी वैल्यू ले सकता है पॉजिटिव रियल डोमेन के अंदर. तो हम लोग यहाँ पे अगर एफ एक्स में से इस x को हर जगह से हटा के a से रिप्लेस कर दे तो इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता. विच मीन दैट इफ आई पुट a इन प्लेस ऑफ x एवरीवेयर देन इट विल बी लाइक 1/a. मींस आई एम इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ a एंड x. नाउ इट विल बी लाइक दिस. It is just the same as this one, right? So I can say that this is a symmetric relation. ये एक symmetric relation है, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ. और symmetric relations के corresponding जितने भी functions बन सकते हैं उसमें जो भी variables होते हैं हम लोग उसको interchange कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह सिर्फ a पुट कर देता हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि आई कैन इंटरचेंज x विद a बिकॉज इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन टाइप ऑफ अ फंक्शन. ऑलराइट, बट यहाँ मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर a को चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सारे x को a बदल रहा हूँ. मैंने यहाँ पे डोमेन को चेंज भी नहीं किया है, क्योंकि डोमेन इनपुट होता है. इनपुट मतलब वो सारी वैल्यू जो x ले सकता है, और x सारी रियल पॉजिटिव वैल्यूज ले सकता है. सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने a रखा है वो भी सारी रियल पॉजिटिव वैल्यूज ले सकता है. तो डोमेन यहाँ पे सेम है, तो जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो भी सेम होगा, रेंज जो कि एफ एक्स का होगा. और एफ एक्स का रेंज 1 से 2 के बीच में है, यही प्रूव करना है. तो अगर एफ ए का रेंज भी 1 से 2 के बीच में आता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली एफ एक्स की रेंज की इनइक्वालिटी को भी प्रूव कर ही देंगे. तो बस फिर क्या, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √a² / a² + 8. हमारे पास ये रिलेशन आता, फंक्शन आता है 1 + a √a² + 8. तो अगर हम लोगों को इस फंक्शन का रेंज चाहिए करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ a टेकिंग ऑल द रियल, सबसे पहले हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करके इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये a के बढ़ती इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यूज पे क्या ये फंक्शन f a इंक्रीज होगा या ये फंक्शन f a डिक्रीज होगा. तो मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, और क्योंकि यहाँ पे a एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है तो हम लोग वो कर सकते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे 1 + a - 1/2 - 1, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस a को अभी यहाँ रहने देते हैं -1/2 a² + 8 - 3/2 एंड इट विल बी 2a प्लस इट विल गोइंग टू बी 1 / √a² + 8 f dot a. This will going to be 1 / √1 + a. Okay. It will be a / 2 × a² + 8 into √a² + 8. अच्छा यहाँ पे 2a भी है तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो हट जाएगा और a स्क्वायर दोबारा आ जाएगा. तो ये पहली चीज़ हुई. और हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में a² + x को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर में भी ये
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एट के साथ मल्टीप्लाई होके आइडेंटिकल डिनोमिनेटर बना ले। तो एफ डॉट ए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एट माइनस ए स्क्वायर है, तो भैया हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एट माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ए। अब यहाँ पे जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्वेश्चन को सेट किया है, जैसे मैं चाइना का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सिमिलरली जैसा कि यहाँ पे आईआईटीज के लिए जेई एडवांस होता है, तो अब क्योंकि वहाँ पे भी इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, सो ऑटोमेटिकली दे नीड टू सेट द क्वेश्चन टफ सो दैट दे कैन एक्सेप्ट सम मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एट देने का बहुत अच्छा कारण था, ए टू क्यूब है और यहाँ पे नीचे भी रेडिकल क्यूब्स बन रहे हैं इधर भी और इधर भी, और इनका शायद मकसद भी यही होगा एट देने का कि हम जो कंपैरिजन करेंगे इनकी मोनोटोनिसिटी को लेके फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ ए वो क्लियरली विजिबल हो सके। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एट टू द पावर क्यूब। सिमिलरली ये इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, वन प्लस ए क्यूब। सो दिस इज वन थिंग, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो एफ डॉट ए वी कैन राइट दिस ऑल्सो एज टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एट माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ए प्लस ए। अब अपने को ये पता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये ज़ीरो से बड़ा है, हम लोगों को इसका चेक करना है। तो इसका अगर हम लोग चेक करें तो अब अपने को इतना भी पता है कि ए जो है वो पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा, तो ए स्क्वायर प्लस एट का बस नीचे चेक करना है, तो टू डिवाइडेड बाई मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एट माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ए का ज़ीरो के साथ कुछ ये रिश्ता है, कुछ भी रिश्ता हो सकता है, दिस कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो, इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, इट कैन बी स्मॉलर देन ज़ीरो और इक्वल टू स्मॉलर देन ज़ीरो। हम लोगों को वही इवेल्यूएट करना है कि भैया क्या रिश्ता होगा इन दोनों के बीच में। तो वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फोर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एट ये चेंज नहीं होगा, वन डिवाइड बाई वन प्लस ए। ओके सो फोर प्लस 4a, it will going to be a square plus 8 and 0 a square minus 4a plus 4 0 a minus 2 whole square. ठीक है, तो अपने पास अब ये रिलेशन आ गया, और अपने को ये तो पता ही है कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर है, तो हम लोग तो फिर यहाँ पे जो रिश्ता होगा ये वो होगा ऐसा। ठीक है, और ये इक्वल टू होगा अगर ए की वैल्यू टू हुई तो। ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट हम लोग चेक करेंगे, सो वी कैन से दैट f dash a is greater than 0, oh sorry, smaller than 0, and f dash a is equal to 0 at a is equals to 2. ठीक है, तो अपने पास अब ये दो रिजल्ट निकल के आएंगे, तो अगर हम लोग इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दें, और अपने को ये भी पता है कि a will always be greater than 0 क्योंकि a पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 पे ही आएगी। जब a की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और इसके हिसाब से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 पे आएगी।
ये मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बता सकता हूँ? अभी मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, पहले इसको थोड़ा मिटा लूँ। फंक्शन यहीं पे है, फंक्शन की दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला है? हम लोगों को रिजल्ट मिला है कि एफ डैश ए इज स्मॉलर देन जीरो कोरस्पॉन्डिंग टू ए ग्रेटर देन जीरो, ओके, एंड एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू। एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल पार्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अब क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो से छोटा है, दैट डिटेक्ट्स दैट एफ ए इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ए इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ ए इज मैक्सिमम when a is minimum, और a की minimum value क्या है इसके domain में? Minimum value जो a की हो सकती है in its domain, it can be zero. So the maximum value value of the function is a will going to be 2. जब तुम एक a को जीरो पुट करोगे इसमें तो तुमको ये आएगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि दैट a belongs to positive real number, तो a की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, जीरो के बराबर तो नहीं होगी, तो ये भी हमेशा जीरो से छोटा होगा, ठीक है, ये भी हमेशा जीरो से छोटा होगा, तो ये टू के बराबर नहीं होगा, ये टू से हमेशा छोटा होगा। दिस विल बी आवर फर्स्ट रिजल्ट। और हम लोगों को ये भी पता चला है कि एफ डेल्टा ए ज़ीरो एट टू, मतलब जब ए की वैल्यू टू हम लोग पुट करेंगे तो एफ डेल्टा ए ज़ीरो आता है। अब हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट से ये पता है कि किसी भी फंक्शन को जब तुम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो और उसको ज़ीरो से पुट करते हो, तो जो हम लोगों को वैल्यू मिलती है इनपुट की, या तो वो उस फंक्शन को मैक्सिमम कर सकती है या तो मिनिमम कर सकती है। और अगर हम लोग इस केस की बात करें तो वो इस फंक्शन को मिनिमम करेगी कि मैक्सिमम करेगी? वो इस फंक्शन को मिनिमम करेगी, क्योंकि फंक्शन का मैक्सिमम तो a इज इक्वल्स टू ज़ीरो में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो मैक्सिमम का तो सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि भैया a की वैल्यू 2 पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू होल्ड करेगा। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी a इज इक्वल टू 2 पे, जो कि अगर हम लोग पुट करें, पहले ज़रा इसको थोड़ा मिटा दूँ, फंक्शन में अगर इसको ज़रा पुट करें तो वो हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 12 विल बी 4 इंटू 3, टू 2√3, सो दिस एंड दिस इज कैंसिल, सो इट विल गोइंग टू बी √3 एंड √3 इज 1.717, ठीक है। सो 1.717 से फंक्शन हमेशा बड़ा ही होगा, या तो इसकी इक्वल होगा मिनिमम केस में या तो बड़ा होगा। तो दिस इज आवर सेकेंड रिजल्ट। तो अगर हम लोग इसको कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट 1.717 एंड 2। अब क्योंकि 1.717 वन से बड़ा है ऑब्वियसली, सो 1 से बड़ा होगा एफ ए और 2 से छोटा होगा। अब क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बताया कि एफ ए और एफ एक्स सेम ही है, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है, सो वी हैव प्रूव्ड दिस इनइक्वालिटी।
So this is a simple proof that this function fx will have its range in between 1 and 2, not including both of them. And I don't know why this was considered the toughest problem at that year. It was a 2015 Gaokao problem, and it was considered toughest at that time. So that was it.